वजीर खां मस्जिद 17वीं सदी की मस्जिद है जो लाहौर पंजाब पाकिस्तान के शहर में वाक़े है। ये मस्जिद मुगल शहनशाह शाह जहां के दौर में इमारतों के एक हिस्से के तौर पर बनाई गई थी, जिसमें करीबी शाही हमाम भी शामिल थे। वजीर खां मस्जिद की तामीर 1634 ईस्वी में शुरू हुई और 1641 में मुकम्मल हुई। ये यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से की आर्जी फहरस्त में शामिल है। मगल दौर की सबसे ज्यादा आरायश शद्दा मस्जिद वजीर खां मस्जिद समझी जाती है, जो अपने पीचीदा फेन स्टाइल के काम के लिए मशहूर है, जिसे काशीकारी कहा जाता है, और साथ ही उसकी अंदरूनी सतहें जो तकरीबन मुकम्मल तौर पर मगल दौर के वसीआ फ्रिस्कोज से मजीन हैं। आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर और हुकूमत पंजाब की हदायत पर जर्मनी, नार्वे और अमेरिका की हुकूमतों के तावन से 2009 से मस्जिद की बहाली का काम जारी है। ये मस्जिद लाहौर की शाही गुजरगाह या रॉयल रूट के जनूबी हिस्से के साथ लाहौर के दीवार वाले शहर में वाक़े है, जो कि मुगल रईसों की तरफ से किला लाहौर में शाही रहायश गाहों को जाते हुए रवायती रास्ता था। ये मस्जिद दहली दरवाजे से तकरीबन 260 मीटर मगरिब में वाक़े है, जहां मस्जिद का शाही हमाम वाक़े है। मस्जिद का सामना एक टाउन चौक भी है, जिसे वजीर खां चौक और चटा गेट कहा जाता है। ये मस्जिद संत सखी सीफ सूफ के मज़ार की मेज़बानी करती है। मस्जिद को चीफ फजीशन ने मुगल दरबार के हकीम इल्मुद्दीन अंसारी के स्पर्द किया था, जो अपने शाही लकब वजीर खां के नाम से मशहूर थे। वजीर खां के पास दहली दरवाजे के करीब काफ़ी जायदाद थी और उसने 1634 में वजीर खां मस्जिद को एक मौज़ सूफ़ी बुज़ुर्ग मेरा बादशाह के मकबरे को घेरने के लिए बनाया, जिसकी कब्र अब मस्जिद के सहन में है। वजीर की तामीर से पहले खां मस्जिद इस जगह पर एक बुज़ुर्ग के मज़ार पर कब्ज़ा किया गया था।